अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना लिया हमने पेपर स्टीम चिकन और साथ में दो चावल होंगे। ये देखिए पानी है, इसके अंदर ये सिरका डालना है। आदि बहुत बढ़िया ये चिकन को धोने के लिए पर नमक एक चम्मच। ये हमारा चिकन है, इसको चिकन को ऐसे ये कर देना। इसके अंदर ये कम से कम बस 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये रेडनेस खत्म हो जाएगी और जो हमारी ये सिरका है और नमक है ना इसके अंदर भी रख जाएगा। तो फिर आते हैं बाकी प्रोसेस की तरफ। 5 मिनट बाद इंशाल्लाह देखते हैं, 5-6 मिनट हो जाएगा, मसला नहीं, ज़्यादा नहीं जी। माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बन गई है। अब इसको हमने ना साफ़ करना है और इसी पानी में साफ़ करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अब इसके अंदर मसाला वगैरह रख भी गया जो बनाया था मसाला, उसका सिरका वगैरह डाला नमक। अब इसको साफ़ करके धो के रखेंगे कुछ को नहीं, बाद में इसको स्टीम कर उसको तलना है, उसके बाद लगाना है इसमें सारा मसाला वगैरह। अब इसको ऐसे कटोरे डालें और हमारा गर्म हो चुका है, जीरा डालना है थोड़ा सा, बस कटोरे डालें और इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई फुल नहीं करना, 50-50 करना है, उसके बाद स्टीम भी लगानी है इसको। ये देखिए माशाल्लाह फ्राई हो जाए तो फिर इसके बाद हम मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फ्राई हो गया, फुल फ्राई नहीं करना है इसको, 50-50 तक करना है और बाद में इंशाल्लाह स्टीम करना है इसको। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बना है। ये देखिए माशाल्लाह जी फ्राई कर लिया इसको, अब इसको ठंडा होने के लिए रखना है। जब फुल ठंडा हो जाएगा ना तो इसको मसाले वगैरह लगा रखते हैं, फिर शाम को इंशाल्लाह स्टीम होगा। कम से कम 2-3-4 घंटे रखें इसको, जितना देर रखेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। या इसके साथ चावल होंगे आप देखेंगे माशाल्लाह, बिल्कुल जैसे शादी पर बनता है ना पेपर वाला पेपर चिकन, वो इंशाल्लाह बनेगा। ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मसाला तैयार करते हैं। ये क्या चिप केक पैकर लेना है, गर्म मैदा मसाला स्पाइसी वाली स्मॉल की मैंने क्या चिप साथ में दही दो चम्मच, क्योंकि एक एक है ना मुर्गी ज़्यादा नहीं है, तो साफ़ सुथरा मसाला मसाला है। दो चम्मच दो या नहीं ढाई जाएगी जीरा आधी चम्मच ले रहे हैं, नमक उसको भी लगाया हुआ था पहले, नमक भी आधी चम्मच ज़्यादा नहीं क्योंकि उसको पहले लगा हुआ था, और रंग भी लेना थोड़ा सा उसको कलर देने के लिए। इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको मसाले को अच्छी तरह करना है। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, फिर और डाल दें मसाला भी आधी चम्मच और डाल दें। ये मसाला घर पर तैयार किया हुआ है, इसकी रेसिपी भी देखना इंशाल्लाह दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करना, ये आपका पेस्ट बन गया जी एक चिकन के लिए। 1 किलो ऑलरेडी पूरा चिकन है। ये देखिए इसको अच्छी तरह ये देखिए आपको बिल्कुल हो गया मसाला। इसको आप रख दिया फ्रीजर में कितना 2 से 3 घंटे के लिए रेडीमेड होने के लिए, ये जितना ज़्यादा होगा उतना टेस्ट इसमें आएगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, 2-3 घंटे बाद मिलते हैं, फिर इसको स्टीम करते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, ये देखें अब इसको पैक करते हैं, ये पेपर में बाजार से मिल जाता है आसानी से। ये मसाला तैयार हो गया, अब इसको करते हैं पैक। ये थोड़ा सा रह गया, इसको इसके अंदर डाल दें।
ये नसला पैक हो गया, स्टीम के लिए तैयार है। अब इसको स्टीम करते हैं, इसको आप आधा घंटा स्टीम कर देंगे ना माशाल्लाह, फिर भी तैयार हो जाएगा। चलो अभी चलते हैं स्टीम की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी स्टीम कर देने के लिए तैयार है। ये घर का जुगाड़ लगाया है, ये पानी है, ये ऊपर ये कद्दूकस रखा हुआ है, पानी को हल्का हल्का गर्म होने दे, आँच तेज़ी तेज़ी रख। बिस्मिल्लाह, ये हमारा चिकन है, ठीक हो गया। उसके ऊपर जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा देना है, उसके ऊपर आपको चीज़ दे दें। ये देखिए इसको इस तरह कवर कर देना है चारों तरफ से, और ऊपर कुछ चीज़ रखनी जैसे बाहर निकले। तो ये तकरीबन आधा घंटे में इंशाल्लाह तैयार होती है, आधा घंटा 35 मिनट इंशाल्लाह, अगर सही तरह स्टीम होती है तो इंशाल्लाह मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो ये देखते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें इंशाल्लाह तैयार हो गई है हमारी। इसको वाओ, दैट्स ऑसम मैन। आह सज्जी, चावल है माशाल्लाह।